नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ सत्यप्रिया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्रियतर है। स्वर्ग से भी प्यारी इस जन्मभूमि को स्वतंत्रता मिली हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से। यूं तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम के सफर की नींव 1857 में ही पड़ गई थी। स्वतंत्रता संग्राम का यह सफर यूं तो कई मुकामों से गुजरा, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मकाम, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, जब महात्मा गांधी जी ने पूरे भारत के लोगों का आह्वान किया तो पूरा भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक एक स्वर में बोला, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और यहां से शुरुआत हुई भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरा विश्व संकट का सामना कर रहा था। युद्ध के कारण तमाम वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष बढ़ने लगा था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्धा में बैठक हुई, जिसमें देश की स्वतंत्रता को जनता और विश्व की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया गया। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में युद्ध की शुरुआत हो गई थी। कोहिमा और इम्फाल में लड़ाई तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस बीच 4 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग समिति की बैठक में तत्काल प्रभाव से ब्रिटिश शासन की समाप्ति का आह्वान किया गया। क्रिस्प मिशन की असफलता से देश भर में जो आक्रोश का माहौल था, उसने एक नए आंदोलन की जमीन तैयार कर दी थी। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे हर ओर लोगों का समर्थन मिला। इसके अगले दिन ही तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां हो गईं, पर आंदोलन नहीं रुका। आंदोलन की अगुवाई छात्रों, मजदूरों और किसानों ने की। कई स्थानों में स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में जनता ने अंग्रेजी सरकार के होश उड़ा दिए। ब्रिटिश हुकूमत इस आंदोलन से असहज हो गई और उसे ये समझ में आने लगा कि उसके लिए भारत पर कब्जा बरकरार रखना लंबे समय तक आसान नहीं है। सही मायनों में ये एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों हिंदुस्तानियों ने भाग लिया। इसने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। गांधी जी ने देशवासियों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए करो या मरो का नारा दिया। बापू ने सभी से अपील की कि वो खुद को स्वतंत्र महसूस करें और देश की स्वतंत्रता के लिए स्वयं की आहुति देने के लिए भी तैयार रहे। गांधी जी के आह्वान पर एक ढंग से पूरा देश इसमें शामिल हो गया। इस आंदोलन में संचार माध्यमों के सहारे भी आजादी की लड़ाई और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई। कई युवा नेताओं ने अपनी रचनात्मक सोच और कुशल प्रबंधन से अंग्रेजी सरकार की बेचैनी बढ़ा दी। अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक पर झंडा फहराकर देशवासियों में एक ओर जहां उत्साह का संचार किया, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत को जोरदार झटका भी दिया। देखते ही देखते लोगों ने इस क्रांति को अपने आचरण में शामिल कर लिया। हर ओर आजादी के लिए प्रयास होने लगे और संपूर्ण देश भारत माता की स्वतंत्रता के लिए एकजुट होने लगा। देश के स्वाधीनता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्ता जग जाहिर है। आजाद भारत के निर्माण में इस आंदोलन की भूमिका सराहनीय है।
और भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के विषय में ही और जानकारी लेंगे आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद पहले विशेष मेहमान से, जो हैं डॉक्टर रजनीश कुमार शुक्ल जी, जो वाइस चांसलर हैं महात्मा गांधी इंटरस्टेट हिंदी यूनिवर्सिटी के, जिनसे बात की मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी ने, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आइए देखते हैं इस बातचीत के कुछ अंश। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी हैं। प्रोफेसर शुक्ल, मैं आपका विशेष स्वागत करता हूं कि 9 अगस्त का जो है, जो विशेषता है, वह किस संदर्भों में की जाती है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में देखा जाए तो 9 अगस्त की विशेषता यह है कि 9 अगस्त के दिन से संपूर्ण भारत का जन, भारत की समग्र आजादी के लिए, अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए, बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी संगठनात्मक ढांचे के, बिना किसी के प्रयास के सड़कों पर आता है। अब ये कोई कह सकता है कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा तो दुनिया में कभी नहीं होता है। हाँ, ये सच है कि 9 अगस्त के दिन नहीं था, लेकिन 9 अगस्त के पूर्व गांधी का नेतृत्व है, गांधी की दृष्टि है। गांधी के द्वारा 1930 के बाद से लगातार भारत की आज़ादी के लिए व्यक्ति निर्माण के जो यत्न किए जा रहे थे, उन यत्नों का प्रभाव है। पूरी दुनिया में विश्व युद्ध का जो भयावह परिणाम था, दुखदायी परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों से मुक्ति पाने के लिए अहिंसा मूलक आधार पर साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी ताकतों से मुक्ति ही एकमात्र विकल्प है, इस प्रकार का बना हुआ मनोभाव भी था। इसलिए 9 अगस्त को ग्वालिया टैंक मैदान, जिसे आजकल अगस्त क्रांति मैदान के रूप में भी जाना जाता है, से एक आवाज उठी थी जनता की कि भारत की आज़ादी को अब लाठी और गोली के बल पर, दमन और यातना के बल पर, बंटवारे और भेद के बल पर लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता है। भारत के जन ने इन सारी नीतियों को, शासन की सारी कूटनीति और दुर्लभ संधि को अस्वीकार करते हुए भारत की आज़ादी और अंग्रेजों का भारत से बाहर जाना एकमात्र लक्ष्य है भारत के सामान्य जन का, इसको प्रतिस्थापित किया था। 1939 से लेकर और 1942 के बीच जो है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और जो उस समय तत्कालीन परिस्थितियां थी, क्या परिस्थितियां भी इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को बल देने के लिए पर्याप्त थी? देखिए, स्वाभाविक तौर पर उस काल की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से आंदोलन प्रभावित तो था ही, और पूरी दुनिया के पैमाने पर, भारत के अंदर और भारत के बाहर, जिस प्रकार से ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ, ब्रितानी सत्ता के खिलाफ वातावरण बना हुआ था, भारत के दोनों ओर, भारत के पूर्व और भारत के पश्चिम, दोनों तरफ ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ वातावरण था, तो उसका प्रभाव तो पड़ना था। द्वितीय विश्व युद्ध की हिंसा भी बड़ा कारण थी। 9 अगस्त को समझना है तो 6 अगस्त को भी समझना पड़ेगा। हिरोशिमा और नागासाकी उसी का परिणाम था, लेकिन उसके पूर्व ही भारत में गांधी के नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भागीदार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह भारत का युद्ध नहीं है, भारत के लोगों के द्वारा युद्ध नहीं है। और गांधी इसमें, इस निर्णय के साथ, प्रथम विश्व युद्ध के समय अपनी की गई गलतियों का परिष्कार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ 1939 उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस देश में जो नई स्फूर्ति दी गई थी, वह भी कारण था। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण था कि कांग्रेस के नेतृत्व पर प्रश्न खड़े होने लगे थे। कांग्रेस का नेतृत्व बूढ़ा हो रहा था, हताश हो रहा था, लड़ाई से थक गया था, और M.N. राय जैसा व्यक्ति कहता है कि कांग्रेस समाप्त हो गई, जर्जर हो गई है, अप्रासंगिक हो गई है। ऐसे में गांधी ने 1942 के जुलाई के प्रथम पखवाड़े में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की थी, क्योंकि गांधी वर्धा से बाहर नहीं आने को तैयार थे, पूरी कार्य समिति वर्धा गई थी, और उसमें निर्णय हुआ था कि यथाशीघ्र, जल्दी से जल्दी हमें भारत से अंग्रेजों को बाहर करने और समग्र आज़ादी का आंदोलन खड़ा करने की बात करनी पड़ेगी। ये बाहर से दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे का कारण यही था कि कांग्रेस को
अपने को साबित करने के लिए, कांग्रेस इस देश का प्रतिनिधित्व करती है, सही दिशा में प्रतिनिधित्व करती है, इसको साबित करने के लिए भी जरूरत थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगातार प्रारंभ होने के साथ ही जिस ढंग से समुद्र पर उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही, ये दिख रहा था कि अब लंबे समय तक अंग्रेज समुद्र के रास्ते भारत पर पकड़ बनाए नहीं रख सकते हैं, इसलिए उनको जाना पड़ेगा। तीसरा कि मंदी का दौर तो था ही, मंदी के दौर के कारण से जो मैनचेस्टर के औद्योगिक इलाके में संकट खड़े थे, उन संकटों के कारण से भी ब्रिटिशर्स को बाहर जाना था। ऐसे में एक ऐसा समय था जब लगा था कि अगर जोर का धक्का दिया गया तो ये ब्रितानी हुकूमत भरभरा करके कच्ची मिट्टी के दीवार के समान गिर जाएगी। गांधी ने इसी के लिए काल किया था, जुलाई में ही कहा था, कांग्रेस के लोगों से कहा था, करो या मरो, यानी कांग्रेस या तो कोई निर्णायक रूप से लड़ाई छेड़े और भारत की आज़ादी को प्राप्त करके रहे, अन्यथा कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व तो मर जाएगा। ये सही बात है, उस काल के समाचार पत्रों को देखें, उस काल के बुद्धिजीवियों को देखें तो कांग्रेस के प्रति घोर निराशा का वातावरण है। घोर निराशा का वातावरण इसलिए भी है कि सुभाष चंद्र बोस के रूप में इस देश के युवाओं को एक नेतृत्व मिला था। गांधी की अपनी सैद्धांतिक नीतियों के कारण से, दृष्टिकोण के कारण से, अहिंसा मूलक उनकी जो दृष्टि थी उसके कारण से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष बनना स्वीकार नहीं किया और अलोकतांत्रिक अधिनायकवादी गांधी के रूप में इसे अपनी निजी हार बताते हुए इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की कि सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा। यह सैद्धांतिक रूप से इस पर बहस हो सकती है, लेकिन देश का नौजवान जो वास्तव में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिसे रीति नीति सिद्धांत इनसे मतलब नहीं था, प्रथम जिनके सामने लक्ष्य था कि अंग्रेजों को जाना चाहिए, उनको झटका लगा था। उस झटके को दूर करने के लिए गांधी को भी युवाओं के समक्ष एक आदर्श सामने रखना था और निश्चित रूप से 1930 से लेकर के 1942 के बीच पूरे देश के अंदर गांधी ने लड़ाई के लिए जो कार्यकर्ता निर्माण की भूमिका निभाई थी, एक अच्छे आज़ादी के शिक्षक के रूप में, आज़ादी के सेनानियों के विद्यार्थी के रूप में पूरे देश में जो प्रेरणात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम कर रहे थे, उसका परिणाम तो 42 में 9 अगस्त और उसके बाद के दिनों में चले हुए आंदोलनों के देखा जाए। 9 अगस्त को सफल आंदोलन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त से 1942 का आंदोलन, उसे सफल आंदोलन नहीं कह सकते क्योंकि आंदोलन तो कुछ महीने चल करके ठप हो गया। कांग्रेस का सारा नेतृत्व जेल में चला गया, आम जनता के ऊपर यातनाएं होने लगी और जब उस आंदोलन में स्वाभाविक तौर पर हिंसा होने लगी थी तो गांधी ने भी लिलिथिगो को साफ साफ शब्दों में चिट्ठी लिख दी कि ये मेरा मूवमेंट नहीं है, मेरा मूवमेंट तो सभी ने अवज्ञा का था, जिसमें एक एक आदमी जेल जाएगा, सत्याग्रह करेगा जेल जाएगा। ये ऊपर से दिखता हुआ परिदृश्य, गांधी का सविनय अवज्ञा का सत्याग्रह इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी संगठन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इच्छा अनिच्छा को दरकिनार करते हुए भारत की आजादी में अपने वैयक्तिक योगदान को देने का आंदोलन था। और इस दृष्टि से जब विचार करेंगे तो स्थान स्थान पर तिरंगा लेकर के एक ही परिवार के, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील पर जो घटना हुई, एक ही परिवार के साथ साथ लोग गोली खाते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं, गोली खाते हैं, एक गिरता है दूसरा तिरंगा लेकर के आगे बढ़ता है। और ये देश भर में हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में, पुणे के आसपास के इलाकों में, सतारा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, मध्य भारत बिहार, मुंबई प्रांत उस समय का कोंकण प्रांत, उस समय का बिहार, उस समय का युक्त प्रांत, पंजाब, ये तो पूरी तरह से इनकार कर दिए थे अंग्रेजी शासन को। ये गांधी का प्रभाव तो था, लेकिन ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं था, ये गांधी के व्यक्तित्व के आलोक में इस देश के युवाओं का यह संकल्प था कि आज़ादी लेकर के रहेंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध का परिदृश्य पार्श्व में उसके का प्रभावी कारण भी था। एक सवाल यहाँ उठता है कि गांधी जो करो या मरो का नारा दिए, कांग्रेस में उस समय अंतर्कलह की बात जो है थी, और इसके साथ ही साथ गांधी जी के सुभाष चंद्र बोस से जो मतभेद थे उसके क्या कारण थे? देखिए, सुभाष चंद्र बोस से गांधी के जो मतभेद थे वो तो सैद्धांतिक थे, लेकिन कांग्रेस का अंतर्कलह
और कारण कारण सुभाष का हृदय परिवर्तन करना, दृष्टि परिवर्तन करना, ये गांधी को जो करना चाहिए था, उसके स्थान पर उस अंतर्कलह में वो कहीं ना कहीं एक तरफ खड़े दिखाई देने लगे। पट्टा भी सीतारमैया के पक्ष में जब खड़े दिख रहे थे तो नेहरू के पक्ष में खड़े दिख रहे थे, क्योंकि दो करिश्माई नेतृत्व देश के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को लग रहा था, एक तरफ नेहरू का नेतृत्व है, दूसरी तरफ सुभाष का नेतृत्व है। सुभाष के नेतृत्व पर युवाओं को विश्वास जाते था। गांधी सुभाष के चुनाव के विरुद्ध अपना बयान देते हैं तो वह दूसरे नेतृत्व के साथ खड़े दिख रहे हैं। कांग्रेस के पास जो वैचारिक नेतृत्व था, जो विनोबा का था, वो युवा था। अब युवा नेतृत्व और वृद्ध नेतृत्व के बीच अजीब सी कसमकस थी। कांग्रेस का जो युवा नेतृत्व था वो कम्युनिज्म से प्रभावित नेतृत्व था, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और अरुणा आसफ अली, इस प्रकार के जिन नामों की बात हम करेंगे तो ये सब कम्युनिज्म से प्रभावित थे। इनको भी अहिंसा के साधनों पर, सत्य साधनों पर कोई विश्वास नहीं था। ऐसे में कोई ना कोई एक निर्णय तो गांधी को लेना था जिसमें कांग्रेस एक हो सके, कांग्रेस की इस अंतर्कलह को दबाया जा सके और कांग्रेस देश के लोगों के आस्था और विश्वास के अनुरूप आजादी का आंदोलन चलाएगी, इसको प्रतिस्थापित किया जाए। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ इस देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में जिस आंदोलन को जानते हैं, ये इतना ही है। आंदोलन के रूप में सफल आंदोलन नहीं है। आंदोलन के रूप में तो सुभाष ने जो प्रयत्न किए थे वो ज्यादा सफल है। से अंतिम सवाल है इस कड़ी में कि जो गांधी की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद का जो परिदृश्य होता है वो इस आंदोलन को कितना प्रभावित करता है? गांधी की गिरफ्तारी और नेहरू की गिरफ्तारी का इस परिदृश्य पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि आंदोलन ही कांग्रेस के नेटवर्क का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। कांग्रेस के लोगों ने शुरुआती दौर में थोड़े प्रयास जरूर किए थे तो अपने अस्तित्व, कांग्रेस अपने अस्तित्व की रक्षा में करे, कांग्रेस एज ए ऑर्गेनाइजेशन अपना अस्तित्व बचाना चाहती है, और देश के लोग कांग्रेस साथ होती है न होती है। गांधी ने जो कहा है कि स्वयं के निर्णय के द्वारा, स्वविवेक के द्वारा, सविनय अवज्ञा करते हुए सत्याग्रह करना है, दबाव बनाना है प्रत्येक व्यक्ति को वैयक्तिक आधार पर, इसको देश के लोगों ने स्वीकार किया। वो सिर्फ फिर विनोबा का और कृपलानी का आंदोलन नहीं रह गया, वो देश के हर व्यक्ति का आंदोलन हो गया। इसलिए यह आंदोलन, इस आंदोलन की विशेषता है कि एक दिन एक साथ ये पूरे देश में खड़ा हुआ। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई। निश्चित तौर पर आपके जो है इस बात का जो है 9 अगस्त के बारे में जो लोग भी जानना चाहेंगे उनके लिए बड़ा सारगर्भित यह जो है आपका बयान है, कथन है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और गुड इवनिंग इंडिया में अब समय है कि हम आपको मिलवाएं हमारे कार्यक्रम के आज के दूसरे विशेष मेहमान से। हमारे आज के दूसरे विशेष मेहमान एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने 22 साल की उम्र में एक छोटे से शेड से अपने कंपनी की शुरुआत की। वो इतने सफल एंटरप्रेन्योर रहे कि आज उनकी कंपनी मैग्नॉन भारत के ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में शुमार है। यही नहीं, हाल ही में उन्होंने अपनी नई कंपनी टैलेंट ट्रैक की भी शुरुआत की। यही नहीं, हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो एक सफल एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ भारत के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में भी शुमार हैं, जिन्होंने फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों जॉनर्स में ऐसी किताबें लिखी जिन्होंने हर पाठक के दिल को छू लिया और उन्हें बना दिया इंडिया का बेस्ट सेलिंग ऑथर। आज विनीत बाजपेई, जो कि आज हमारे शो के मेहमान हैं, हर युवा के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहे हैं, चाहे हम मैग्नॉन की बात करें या टैलेंट ट्रैक की बात करें,
दोनों कंपनीज आपने शुरू की, बहुत छोटी उम्र में आपने इसकी शुरुआत की, 22 साल के थे जब आपने मैग्नॉन की शुरुआत की जी। और इसके साथ उतने ही सक्सेसफुल आप एक ऑथर भी रहे हैं, कैसे इन दोनों रोल्स को आप बैलेंस करते हैं और इस सफर की शुरुआत किस तरह से हुई? जब मैंने कंपनी शुरू करी मैग्नॉन सन 2000 में शुरू करी थी, और बिल्कुल जिसको कहा जाता है गट्स एंड ग्लोरी जो एंटरप्रेन्योरियल स्टोरी होती है, दो रेंटेड कंप्यूटर्स और कुछ 12-14 हज़ार रुपए लेकर, तो वहां से हमने शुरू करी। 3-4 साल मेहनत करने के बाद हमको थोड़ी सी सफलता प्राप्त होनी शुरू हुई मैग्नॉन में, और हमने एक उसको डिजिटल एजेंसी की तरह शुरू किया था, और वो 4-5 साल के अंदर वो पहचान में आने लगी। तो मेरी जो पहली किताब थी, या जो मैं कहूँ कि जो मेरी लिखने की जर्नी थी, वो वहाँ से शुरू हुई। बिकॉज आई फेल्ट कि जो मैंने सीखा है, आई थिंक हिंदुस्तान में हजारों लाखों ऐसे यूथ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन वो बिजनेस फैमिलीज से नहीं है, या वो हार्वर्ड से ड्रॉप आउट नहीं है, या उनके पास लेगेसी में कोई बिजनेस नॉलेज नहीं है, पर इस तरह के युवक किस तरह, युवक और युवतियां किस तरह से अपनी कंपनियां शुरू कर सकते हैं, अपने उद्योग शुरू कर सकते हैं। तो जो मैंने किया था, मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुए थे, तो हमारा कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। जिस तरह से हमने मैग्नॉन को शुरू किया, उस जर्नी के बारे में मैं लिखना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे जैसे कई लोग, हजारों लाखों युवक जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं और अपने उद्योग बनाना चाहते हैं, उनको पूरी व्हील रीइन्वेंट ना करनी पड़े। तो मेरे जो पहले 4-5 साल की लर्निंग थी, मैंने पहले सोचा था कि मैं एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखूं या एसे लिखूं। जब मैंने लिखना शुरू किया तो उसके इंट्रोडक्शन में ही 10 पेज चले गए, एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई शुड गिव इट द शेप ऑफ अ बुक। उससे मेरी पहली किताब 2004 में रिलीज हुई थी, जिसका टाइटल है बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, वो बताता है कि किस तरह से एक एक छोटी सी शुरुआत से आप एक कंपनी या एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और उस किताब को बहुत पसंद किया गया, वो बेस्ट सेलर बनी, बहुत सारे रीडर्स ने मुझे बहुत अप्रिसिएशन दिया। आई थिंक बस वो दिन है और आज का दिन है, उस दिन से दोनों, ये जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी और ये जो राइटिंग की जर्नी है, वो साथ चली। आपने पहली किताब का तो जिक्र किया, दूसरी किताब की बात करें द स्ट्रीट टू द हाईवे और उसके अलावा द 30 समथिंग CEO, तो तीनों ही किताब नॉन फिक्शनल रही, लेकिन उसके बाद आपने सीधे फिक्शन के क्षेत्र में जब आपने कदम रखा, तो क्या एक ऐसा ऑथर था आपके अंदर जो मचल रहा था फिक्शन लिखने के लिए, सडनली बाहर आ गया, और कैसे बाहर आया? पहली 3 किताबें मैनेजमेंट और इंस्पिरेशन पे रहीं, बहुत लोगों ने पसंद किया, और मैंने उनको बहुत डीप सेंस ऑफ पर्पस से लिखा था। वो एक मेरी खुद की एक जो जर्नी थी और जो लर्निंग्स थी, उनको मैंने उन किताबों में ढाला। तो जैसा मैंने कहा कि बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच तब लिखी जब कुछ भी ना होने से, 12,000 रुपए से एक कंपनी शुरू करके, एक लाजपत नगर के टेरेस के छोटी सी बरसाती में हमने शुरू किया था सन 2000 में, और 10-12 साल हम उस पर मेहनत करते रहे, और 2012 तक मैग्नॉन बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल एजेंसीज इन इंडिया। आज वो मैग्नॉन TBW और मैग्नॉन EG+ के नाम से जानी जाती हैं, दोनों एजेंसीज हिंदुस्तान की सबसे बड़े एडवर्टाइजिंग ग्रुप्स में से है। तो वो जो छोटी सी शुरुआत थी, जब उसको हमने थोड़ी सी सफलता दिलाई, तो मैंने बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच लिखी। मैंने देखा कि कई ऐसे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बड़े प्रतिभाशाली लोग होते हैं, वेरी वेरी टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स, जो कंपनी शुरू करते हैं, बिजनेसेस शुरू करते हैं, थोड़ी सी सफलता मिलती है, लेकिन उसके बाद वो एक थोड़े से स्टैग्नेशन के ग्रिप में आ जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। साथ में मैंने ये देखा कि बहुत सारी जो मैनेजमेंट की किताबें हैं और जो बड़े बड़े राइटर्स हैं जिनको हम बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, माइकल पोर्टर हो जाएं, जिम कॉलिंस हो जाएं, जैक वेल्श हो जाएं, कितने बड़े बड़े ऑथर्स हैं, वो सब लिखते हैं कि कैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी और बड़ी बन जाए। द स्ट्रीट टू द हाईवे वॉज अ बुक विच आई रोट जब हमने खुद अपनी कंपनी को 20-25 लोगों की कंपनी से एक 250-300 लोगों की कंपनी बनाया, तो उस जर्नी के बारे में मैं लिखना चाहता था, क्योंकि अगेन मुझे लगा कि हजारों उस तरह के उद्योग हैं जिनको उस नॉलेज की आवश्यकता है। फिर 2014 में मैं TBW इंडिया ग्रुप का CEO बना, तो उसको मैंने द 30 समथिंग CEO में लिखा कि हम देखते हैं CEOs की नॉर्मली जो एज मानी जाती है, या जो एक स्टीरियोटाइप हमारे मन में है कि CEO होगा तो 3-piece suit पहन के 52-55 साल का होगा, बट आज के इंडस्ट्री में, आज के एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट में, आज की जो फास्ट मूविंग इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे इस तरह के लीडर्स हैं जो बहुत जल्दी, बहुत एक्सेलरेटेड करियर्स में, इन देयर mid-30s, late-30s, दे बिकम CEOs ऑफ बिग कंपनीज, एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेम। मैं उस जर्नी को शेयर करना चाहता था कि ऐसा क्या करते हैं वो लोग जो एक नॉर्मल करियर पाथ से कुछ अलग होता है। तो ये तो बिजनेस बुक्स के बारे में हुआ, लेकिन जैसा आपने कहा
कि क्या आपके अंदर एक ऑथर था. ऑब्वियसली जब हम मैग्नॉन ग्रुप चलाते हैं, इट्स अ क्रिएटिव एजेंसी, हम क्रिएटिव लोगों के साथ काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ, फिल्म राइटर्स के साथ, यू नो, एक बहुत अच्छा वाइब्रेंट सा एक माहौल होता है. तो कहीं ना कहीं अंदर उसको लिखने की इच्छा तो थी ही फिक्शन को, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हुई जो जिसने मुझे सच में प्रेरित किया कि मुझे फिक्शन लिखना चाहिए था, आपने देखा होगा जो मेरी किताबें हैं, जो फिक्शन नॉवेल्स हैं, वो हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल फिक्शन में हैं, कि उस जॉनर में हैं. उनको लिखने से पहले जब मैंने देखा कि किस तरह का काम हो रहा है हमारे देश में, तो मुझे ये लगा कि जो वेस्ट है, हम जब वेस्ट को देखते हैं तो वो अपने हिस्ट्री को, अपनी माइथोलॉजी को, अपने मिथ्स को, उन्होंने किस तरह के रूप दिए हैं, किस तरह से फिक्शनलाइज किया है, और किस तरह से चाहे वो बुक्स हो, लिटरेचर हो, थिएटर हो, सिनेमा हो, वो हर जगह उन्होंने उसको किस तरह से लेवरेज किया है. और जहाँ पे मुझे लगा कि शायद हिंदुस्तान में हमने सिवाय रामानंद सागर जी की रामायण और बी आर चोपड़ा जी की महाभारत के अलावा, मुझे नहीं लगा कि किसी और सीरियल ने या किसी और तरह से हमने अपने माइथोलॉजी और हिस्ट्री को लेवरेज किया. मुझे यही लगा कि हमारा जो कल्चर है, जो माइथोलॉजी है, जो हिस्ट्री है, वो इतनी रिच है, बट somebody has to do justice with it, whether it is in the form of art, literature, cinema, or whatever it is. वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा कारण था फिक्शन राइटिंग में. जैसे आपकी किताबों में भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आप इन questions से भी डील करते हैं कि क्या वाकई आर्यन इन्वेजन था जिसने कि हरप्पन सिविलाइजेशन को ख़त्म किया, और हम सरस्वती नदी के अगर होने की बात करें तो ऐसे कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़ाई गई जो शायद सच नहीं है, उनको भी आपने अपने किताबों में उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश की. जब मैंने हरप्पा और उसकी सीक्वल प्रलय और काशी, ये जो तीनों लिखी, उसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव तो था कि जो रीडर हो, जो पाठक हो, उसको एंटरटेनमेंट, मनोरंजन मिले. लेकिन उसके साथ मेरा एक बहुत डीप सेंस ऑफ पर्पस था. और जैसा आपने कहा, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री बीइंग रिटन बाय पीपल हु वर रूलर्स ऑफ दिस कंट्री. आजकल तो बहुत हर जगह ही हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई हमको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन वीर सावरकर के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया, या हमको अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ाया गया तो हमको सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया. तो कहीं ना कहीं, वेदर इट वॉज प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ऐसा मुझे लगा कि हमारी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एक अदर पर्सपेक्टिव की भी जरूरत है. जैसे मैं बताऊं, जैसे मेरी किताबों में एक बहुत बड़ा डिबेट है, हम लोग सदियों, मतलब शायद दशकों से सुनते आ रहे हैं, अबाउट दी ग्रेट आर्यन इन्वेजन, कि इस देश में जो सिंधु सभ्यता थी या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, हरप्पा, मोहनजोदारो और लोथल, वो जो पूरी एक सिविलाइजेशन थी, तो उसका हुआ क्या. जब हम लोग, मुझे याद है जब हम सिक्स में थे, एनसीईआरटी की पहली हिस्ट्री की पहला चैप्टर होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हम उसको बड़े गर्व से पढ़ते थे कि अच्छा, हरप्पा में ये हुआ, मोहनजोदारो में ये हुआ. और उस समय जब शायद वेस्ट में लोग एनिमल स्किन पहन के गुफाओं में रहते थे, हमारे यहाँ, हम इस देश में, इस सभ्यता में सिटीज़ बन रही थी, हाइड्रोलिक सैनिटेशन सिस्टम्स बन रहे थे, ब्रिक के वेयर हाउसेज बन रहे थे, तो वी वर अ रियली एडवांस सिविलाइजेशन. लेकिन जब हम पढ़ते थे और उसके एंड में अपनी टीचर से पूछते थे कि फाइनली इसका हुआ क्या, तो उसका कोई जवाब नहीं आता था. तो अब कई जवाब आते थे, कोई कहता था कि कोई नेचुरल कलामिटी हुई थी, बाढ़ आई थी या अर्थक्वेक आया था. लेकिन जो सबसे बड़ी थियोरी हम लोगों को पढ़ाई गई है वो है कि एक आर्यन इन्वेजन हुआ था. और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की, बड़ा अजीब सा तो लगता ही है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं एट इट्स पीक, उसकी जो टोटल पॉपुलेशन थी, इट वॉज मोर देन हाफ अ मिलियन, क्लोज टू अ मिलियन पीपल. अगर एक इन्वेजन हुआ और इतनी बड़ी एक यू नो जनसंख्या की सभ्यता थी, तो क्या जरा सा भी मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ होगा? और अगर हुआ होगा तो एक भी कहीं भी कोई भी हथियार का ना मिलना. आजकल तो इस तरह की रिसर्च और इस तरह की टेक्नोलॉजी हो गई है कि स्केलेटल एक्सप्रेशंस को देख के वो स्टडी कर लेते हैं कि ये जो डेथ हुई है ये नेचुरल रीजन से हुई है या किसी वेपन के ट्रॉमा से हुई है. उस तरह की भी कहीं कोई यू नो एविडेंस नहीं मिला. लेकिन ये एक ऐसी डिबेट है जिसमें आप जब रिसर्च करने लगेंगे तो जितने आपको मटेरियल मिलेगा इसको सपोर्ट करने के लिए, उतना ही मटेरियल आपको मिलेगा इसके अगेंस्ट, इस थ्योरी के. तो मैंने अपनी किताबों के थ्रू ये कोशिश की है कि एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिया तो जाए, लेखक को अपना इंटरप्रिटेशन करने का और लेखक को ये पूरी नॉलेज होने का, और उसके बाद वो एक यू नो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले कि वो क्या मानना चाहते हैं. लेकिन अगर एनसीईआरटी बुक्स में भी या जो जिस तरह की किताबें आई हैं, अब आजकल क्या है एनसीईआरटी में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन
आई वॉन्टेड टू गिव द अदर परस्पेक्टिव. और आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी दैट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ रीडर्स एंड दे हैव ऑल लव्ड दिस एंड दे ऑल फेल्ट कि जैसे पढ़ के लगता था कि जानबूझकर नॉर्थ और साउथ के बीच में भारत के ही सिटीजन्स के बीच में एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करने के लिए एक थियोरी दी गई थी. और आपकी किताबें पढ़ के लगता है कि वो सब कुछ कितना वन साइडेड था एंड इट इज वी आर हैप्पी टू रीड इट फ्रॉम द अदर साइड. मुझे लगा था कि मेरी एक ड्यूटी है कि मैं उस पर्सपेक्टिव को भी सामने लेकर आऊं और एक कहानी के रूप में लेकर आऊं ताकि उस पर डिबेट ना हो, ताकि उस पर कोई यू नो हिस्टोरिकल क्वेश्चन मार्क्स या यू नो उस तरह की कोई सवाल ना उठे. तो हिस्ट्री और फैक्ट उसके बीच में कहीं ना कहीं एक वॉइड है. क्या आप अपनी कहानी से उस वॉइड को, उन स्पेसेस को फिल करते हैं? सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, बात है जैसा इतिहास के साथ साथ हमारी सभ्यता की, हमारे कल्चर की, हमारी हेरिटेज की. तो मेरी इन किताबों के थ्रू मेरा ये भी एक बहुत बड़ा गोल रहा है. और जिस तरह का रीडर फीडबैक आया है वो मैं शेयर करूंगा आपसे, तो उससे लगता है कि शायद अपने कार्य में थोड़ा सा सफल हुआ हूं मैं. आप जब पढ़ेंगे इस किताब को आप देखेंगे कि कहानी के अंदर ही निट करके मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत स्ट्रांगली बात करी है. मैंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांगली बात करी है, लेकिन किसी भी सर्मनाइजिंग ढंग से नहीं, किसी भी प्रीची ढंग से नहीं, एक कहानी का हिस्सा बना करके कि एक काशी का पुरोहित है और एक मॉडर्न डे ब्यूटीफुल जर्नलिस्ट है आपकी जैसी, जो दिल्ली से जाती है और वो काशी में एक पुरोहित से मिलती है और वो उस पुरोहित से हिंदू धर्म में जो महिलाओं को का स्टैचर है उसके बारे में चर्चा करती है. और उस चर्चा में जो मैं मैसेज देना चाहता हूं मैंने वो मैसेज कन्वे किया है और उसको बहुत रीडर्स ने पसंद किया है. तो मुझे ऐसा लगता है एज एन ऑथर वेदर इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रेजेंटिंग हिस्ट्री इन वट एवर आई फील इज द करेक्ट वर्जन ऑफ इट, whether it is presenting culture, mythology, history or entertainment, I think एक author जो एक किताब निकालता है उसके पास एक बहुत बहुत बड़ी opportunity होती है बहुत सारी बातें कहने की. तो मैंने उस opportunity को बिल्कुल गवाया नहीं और पूरी कोशिश की है कि जो message मैं चाहता हूँ आज के millennial youths के हाथ में आए वो मैंने इसमें लिखा है. शायद यही कारण है कि आज आपकी किताबों के तीन या चार भाषाओं में ट्रांसलेशन, आप एक हिंदी भाषा का ट्रांसलेशन यहाँ पे रखा भी है. एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये किताबें पढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में. हम कितना किताबों को अपनी घर घर में ले जाना चाहते हैं वो बहुत डिपेंड करता है कि हमको अपने रीडर्स से क्या मैसेज मिल रहा है. हरप्पा लिखने से पहले मैंने तीन बिजनेस बुक्स लिखी थी और काफी सफलता मिली, बहुत प्रेम मिला. लेकिन हरप्पा ट्रिलॉजी में जो एक मैं अगर कहूं आई वॉज शावर्ड इन लव यू नो ऑफ माई रीडर्स और बिल्कुल जैसे एक कल्ट फॉलोइंग हुई. बहुत छोटे से 18-19 महीने के समय में हमने 1,00,000 से ज़्यादा प्रतियां मार्केट में हमारी यू नो बिकी हैं. अगर हमने हिंदी में निकाली किताबें तो वो इसलिए निकाली कि उसको निकालने की ऊर्जा हमको अपने रीडर्स से मिली. बिल्कुल, मैंने खुद फीडबैक सेक्शंस में, जो रिव्यूज होते हैं उसके फीडबैक सेक्शंस में, इतने सारे फीडबैक्स देखे जहां लोग आपसे कह रहे हैं कि हमें बांग्ला भाषा में ये किताब चाहिए, हमें मराठी भाषा में चाहिए. और शायद इसी वजह से मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा भी था कि जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी ये जाने कि किन किन भाषाओं में उनको ये किताब आगे मिल सकती है. एक लेखक के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आपकी जो बुक्स हैं वो आपके रीडर्स को सिर्फ मनोरंजन ना दें लेकिन उनके जीवन को छुएं. मैं आपको बताता हूं कि मुझे किस तरह की ईमेल्स आई हैं. ऐसे तो शायद आई हैव बीन फॉर्चुनेट हजारों में आई हैं, लेकिन कुछ मेल्स के बारे में मैं आपको बताता हूं. एक मालती नाम की महिला ने मुझे लिखा आज से करीब 1.5 साल पहले एंड शी सेड, विनीत थैंक यू फॉर दीज बुक्स. आई हैव जस्ट गिवन बर्थ टू ट्विंस, आई एम स्टिल इन द हॉस्पिटल एंड रीडिंग योर बुक्स इज गिविंग मी द एनर्जी एंड द करेज to become a mother and to shoulder this responsibility. How wonderful. एक प्रोफेसर हेगड़े ने मुझे पुणे से लिखा, इस तरह की किताबें कभी हिंदुस्तान में लिखी नहीं गई हैं जहां पे हिस्ट्री, माइथोलॉजी, मॉडर्न डे, फैंटेसी सबको मिला के आपने इस तरह का रिलीजन, पॉलिटिक्स और इस तरह की ट्रिलॉजी कभी नहीं लिखी गई है. ही सेज दैट हिंदुस्तान से मैंने आज तक कोई अच्छी साइंस फिक्शन नहीं देखी है. तो ही सेड मुझे लगता है कि आप जिस तरह लिखते हैं यू कैन राइट द फर्स्ट रियली ग्लोबल साइंस फिक्शन कमिंग आउट ऑफ इंडिया. हरप्पा में ही इज इन लव विद वन ब्यूटीफुल गर्ल दामिनी हू इज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम दिल्ली और वो काशी जाता है. वहां पे उसकी मुलाकात अपनी एक चाइल्डहुड फ्रेंड से होती है, मैं कहानी नहीं बताऊंगा, बट हर नेम इज नैना. नैना इज ऑल्सो वेरी वेरी लव्ड कैरेक्टर.
और उसमें कहीं विद्युत का एक वीक मोमेंट आता है जहां पे वो नैना के प्रति थोड़ा सा आकर्षित होता है। वही महिलाएं जिन्होंने हरप्पा पढ़ी और विद्युत यू नो किससे उनको इतना प्रेम हुआ, उन्होंने ही मुझे ऐसी गालियां दी हैं दूसरी वाली किताब पे कि आपने विद्युत से ऐसा कैसे करा दिया, और विद्युत तो बिल्कुल एक मॉडल यू नो ह्यूमन बीइंग था और उसमें आपने इस तरह की यू नो कैसे उसने दामिनी को के होते हुए कैसे वो आकर्षित हो गया नैना में। तो मैंने उनको ऑफकोर्स जवाब दिया कि एक तो पहले आप पूरी ट्रिलॉजी पढ़ लें तो आपको आपका जवाब खुद मिल जाएगा, और दूसरा कि विद्युत भी मनुष्य है, कहीं ना कहीं उसमें मुझे दिखाना था कि एक परफेक्शन में भी शेड्स ऑफ ग्रे हाँ, अगर हम बिल्कुल करेक्ट आपने कहा, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात ये पता चलती है द इमोशनल करेक्ट ऑफ रीडर्स विद देयर कैरेक्टर्स, कि वो उस कैरेक्टर के उतार चढ़ाव में उनके इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर आप एक तरफ मनोरंजन, दूसरी तरफ प्रेरणा और तीसरी तरफ हृदय को छूने वाले कैरेक्टर्स सब एक साथ दे पाते हैं अपने रीडर को, सो आई एम जस्ट वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वाज एबल टू डू दिस। बिल्कुल, इसकी चौथी जो किताब है धूमकेतु के नाम से आएगी, क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है। हरप्पा सीरीज की जो सफलता रही है वो सिर्फ किताबों में ही नहीं रही है, एक बहुत बड़े बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस ने इसके स्क्रीन राइट्स लिए हैं, तो अगर इफ ऑल गोज वेल तो वी शुड सी आइदर अ थ्री सीजन वेब सीरीज ऑन वन ऑफ दीज नेटफ्लिक्सेज और अमेज़ॉन्स और हुएवर, और दी शुड बी ऑन स्क्रीन एज टू बिग फिल्म्स। So I'm keeping fingers crossed, you know. There are also rumors कि शायद ऋतिक रोशन विद्युत का जो किरदार है वो निभाने वाले हैं, कितनी सच्चाई है? इससे related किसी भी news को officially release करने का prerogative उस बड़े production house को, it's actually Reliance Entertainment, मैं ये बता सकता हूँ, तो ये सारा prerogative Reliance का है, तो इसलिए मैं इस पे अभी कोई comment नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ उम्मीद तो है कि एक बहुत बड़ी फिल्म या एक बहुत बड़े एंटरटेनमेंट हमको स्क्रीन पे जल्दी दिखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से काशी का क्लोजर होता है उससे एक एज अ राइटर मुझे, और जैसा कि मैंने अपने रीडर्स से सुना है, वी बोथ फील कंपेल्ड कि ये कहानी यहाँ नहीं रुक सकती है, इसको आगे जाना। मेरा यही सवाल था कि जब आप एक सीरीज पर काम करते हैं तो एज एन ऑथर आपको कैसे पता चलता है कि हाँ यहाँ पर शायद ये कहानी यहाँ खत्म हो गई है? आपको एज एन ऑथर लगता है कि नहीं ये खत्म नहीं हुई, या रीडर्स के इनपुट से आपको ऐसा लगता है कि उन्हें जरूरत है कि कहानी जो है वो और आगे बढ़नी चाहिए इसलिए आप एक और किताब लेकर आते हैं? आई प्लान इट यू नो एज एन ऑथर, और अगर आप देखें जब आप पढ़ें या जो आपके व्यूअर्स जब ये किताबें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि काशी के एंड पर रीडर को कहीं भी ये नहीं लगता कि कहानी कंप्लीट नहीं हुई है। देयर इज ग्रेट सेटिस्फैक्शन कि हाँ ये जो मैंने ट्रिलॉजी पढ़नी शुरू करी थी ये अपने कंक्लूजन पर आ गई है, लेकिन जिस तरह के उसमें प्रोफाउंड कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह के उसमें कुछ एलिमेंट्स स्लाइटली अनआंसर्ड से हैं, कुछ चीजें जो भविष्य की ओर पॉइंट करती हैं, वो उन चीजों ने मुझे भी कंपेल किया कि मैं इसको लिखूं। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, धूमकेतु हम प्लान कर रहे हैं 2020 में रिलीज करने की, उससे पहले एक डिस्कनेक्टेड हरप्पा ट्रिलॉजी से और सीरीज से डिस्कनेक्टेड मेरी एक नई नॉवल आ रही है जिसका टाइटल है मस्तान द फॉलन पेट्रियट ऑफ दिल्ली। इट्स एज आई फील इट्स अगेन अ हिस्टोरिकल फिक्शन, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हरप्पा ट्रिलॉजी, और वो एक एक इंडिविजुअल की कहानी है इन द बैकड्रॉप ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसमें दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा उसके बारे में, एक तो आपके पहले सवाल से रिलेटेड है दैट क्या आप हिस्ट्री का एक पर्सपेक्टिव खोलने की कोशिश करते हैं। इस किताब में भी मैंने यही कोशिश करी है टू डिबेट वेदर द रिवोल्ट ऑफ 1857, या जैसे हम बोलते हैं आदत भी हो गई है बोलने की रिवोल्ट या म्यूटिनी, वॉज इट रियली अ रिवोल्ट और अ म्यूटिनी और वॉज इट अ वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, जब हम बचपन से अब तक पढ़ते आए तो हमको बताया गया ये रिवोल्ट है, किसने बताया हमको ये हमको वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने बताया कि ये रिवोल्ट था। तो अब जब मैं मस्तान लिख रहा हूं तो उसमें आई हैव ट्राइड टू गिव द अदर पर्सपेक्टिव एज वेल टू व्हाट हैज बीन टॉट। अगेन इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग स्टोरी, इट्स गॉट बैटल सीन्स एंड कैनन बैटल्स एंड ड्यूल्स एंड पैलेस पॉलिटिक्स एंड मर्डर्स एंड ट्रेजर्स एंड एवरीथिंग, बट देयर इज द अदर पर्सपेक्टिव गिवन। और उसमें आपके दूसरे सवाल का भी मैं जवाब देना चाहूंगा कि जब मैंने शुरू किया तो आई फेल्ट कि ये एक नॉवल लिखूंगा मैं, और बाय द टाइम आई वॉज अबाउट 50,000-60,000 words, I felt नहीं यार इसके दो होने चाहिए। So, तो वो trilogy या उससे आगे तो नहीं होगी, लेकिन मस्तान भी जो मस्तान I think September में 2 महीने बाद release होगी,
तो वो भी दो बुक्स बनी, क्योंकि लिखने से पहले मुझे नहीं पता था, बट लिखते लिखते मुझे लगा कि द स्टोरी डिमांड्स दैट इट्स टू बुक्स। मस्तान भी किसी पब्लिशिंग हाउस के साथ आएगी या एक इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन होगी? आई थिंक इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव पब्लिकेशन हाउसेज इन इंडिया। बहुत सारी हाई क्वालिटी बुक्स यू नो उस पब्लिकेशन हाउस से निकल रही हैं, तो I am going to be with them. जो लेखक जिनको शायद वैसे कोई पब्लिशिंग हाउसेस नहीं मिल रहे हैं, कितना उन्हें इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग की ओर जाना चाहिए? इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग एक बहुत पुरजोर अल्टरनेटिव है, इट्स अ वेरी हाई पोटेंशियल अल्टरनेटिव टू व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री टुडे। जैसा मैंने कहा, जो मेरी पहली तीन किताबें थी बिजनेस बुक्स तीनों, वो तीनों ही वन ऑफ द टॉप 10 पब्लिशर्स इन इंडिया उन्होंने पब्लिश करी थी। लेकिन जब हम हरप्पा सीरीज, स्पेशली हरप्पा जब हमने लिखनी शुरू करी, तो मेरे पास आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, जो हिंदुस्तान के टॉप 4 या 5 पब्लिशर्स हैं उन, या 8-10 पब्लिशर्स हैं, उनमें से अधिकतर ने ऑफर किया कि वो पब्लिश करना चाहेंगे हमारी किताब को। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आई हैव यू नो माई ओन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री, द मैग्नॉन ग्रुप, इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग ज़रूर एक ऑप्शन है, लेकिन अपनी रिसोर्सेज को आप ज़रूर एक बार टटोल लें, एक बार ज़रूर आप समझें कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं या नहीं। सो फॉर एग्जांपल, जब मैंने डिसाइड किया कि हम हरप्पा को, जैसा मैंने कहा, बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स थे हमारे पास बहुत बड़े बड़े पब्लिशर्स से, लेकिन हमने कहा कि हम इसको खुद करना चाहते हैं, क्योंकि वी वॉन्टेड क्रिएटिव फ्रीडम, वी वॉन्टेड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग फ्रीडम। लेकिन उस सबसे ज़्यादा हमको जिस चीज़ ने कॉन्फिडेंस दिया वो ये थी कि हमारे पास वो सारी सुविधाएँ अवेलेबल थी। सो आई हैव 25 क्रिएटिव डिजाइनर्स इन माई एजेंसी, आई हैव प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट, आई हैव प्रिंटिंग स्पेशलिस्ट, सो एंड ऑफ कोर्स एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। सो विच इज वेयर वी फेल्ट दैट वो सारी चीजें, एंड आई एम सेइंग दिस विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू पब्लिशर्स, एंड आई यू नो आई फील दे आर गार्डियंस ऑफ द बुक ट्रेड, सो देर इज नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूटिंग दैम, बट इन माई केस आई फेल्ट कि जो वैल्यू एडिशन एक पब्लिशर देता है वो हमारे पास इन हाउस है, सो वी वुड रादर कीप द फ्रीडम यू नो विद आर सेल्व्स। लेकिन मैं एक जरूर you know, I feel it's my responsibility कि मैं एक चेतावनी जरूर दूं। मुझे इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग का कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि मैं पहले 3 किताबें लिख चुका था जिनमें से 2 बेस्ट सेलर्स थी, मैनेजमेंट और प्लस बहुत सारे पब्लिशर्स वर वेरी काइंड टू बी टॉकिंग टू मी कि वी वॉन्ट टू पब्लिश, सो उससे एक कॉन्फिडेंस था। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पब्लिशर्स आर द नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर ऑफ द क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट। तो कई बार ऐसा हो जाता है, हर लेखक को लगता है कि शायद जो मैं लिख रहा हूँ वो बहुत बहुत, अच्छा बहुत उम्दा है, बहुत ही आगे बढ़ने वाला है, लेकिन पब्लिशर्स थोड़ा सा रियलिटी चेक दे देते हैं। तो उस रियलिटी चेक को अगर आप साइड स्टेप करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। तो बस यही एक यू नो कॉशन स्टेटमेंट मैं देना चाहूंगा। टैलेंट ट्रैक का जो ये आइडिया था, जहां पर आप एक टैलेंट को एक तरह से क्राउडसोर्स कर रहे थे और वहां से बाकी लोग उसे हायर कर सकते हैं, तो इसका आइडिया जो था ये कैसे जर्मिनेट हुआ? जब हम मैग्नॉन ग्रुप में भी हम बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, उनके लिए एड फिल्म्स बनाते हैं, शूट्स होते हैं, सब होते हैं, तो मैंने इस इंडस्ट्री को, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि, और फिर जब थोड़ी सी हमने रिसर्च करी, पढ़ाई करी, तो ये पता चला कि इस इंडस्ट्री में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोर देन 7 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड, लेकिन इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप याद करें, असरानी के समय से मूवी बनती थी चला मुरारी हीरो बनने, जब दिखाते थे कि वो प्रोड्यूसर के ऑफिस के बाहर एक्टरों की भीड़ लगी और वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एक डायरेक्टर हमारी ओर देख ले और हमारी जिंदगी बन जाए। मैंने देखा कि पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, कॉर्पोरेट सेक्टर में इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिन्होंने हायरिंग को और नेटवर्किंग को डिजिटाइज किया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में और बॉलीवुड में और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में, जिसमें कि गेमिंग, म्यूजिक, सिनेमा, यू नो ऑल दीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ जिसमें आता है, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आज शायद $23 बिलियन की इंडस्ट्री है, और एक रिपोर्ट मैंने रिसेंटली पढ़ी जो कहती है कि 2030 तक पहुँचते पहुँचते ये $100 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो $100 बिलियन की इंडस्ट्री, इतना बड़ा रिक्रूटमेंट सेक्टर, 7-8 मिलियन एम्प्लॉयबल आर्टिस्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो इन सबको एग्रीगेट करे। हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे अब हमारे पास 2.5 लाख से ज्यादा आर्टिस्ट्स
रजिस्टर्ड हैं, 11,000 से ज्यादा वेरीफाइड रिक्रूटर्स हैं, सिंटा जो कि शायद आर्टिस्ट की सबसे बड़ी, सिनेमा और टेलीविजन आर्टिस्ट की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, उसके साथ हमारी फॉर्मल पार्टनरशिप है। अच्छा। और मैं आपको बस चलते चलते बताना चाहूंगा कि किस तरह से एम्ब्रेस किया इस इंडस्ट्री ने हमको, कि सिर्फ 2018 अलोन में टैलेंट ट्रैक ने 1 मिलियन से ज्यादा ऑडिशन एप्लीकेशंस प्रोसेस करी हैं ऑनलाइन। So that should tell you how much that industry needed a platform, and that's what we are trying to build. Vineet Bajpai ji, aap yahan aaye, aapne humse baat cheet ki, iske liye aapka bahut bahut shukriya. Thank you so much Satpriya, aur main aapse jaisa maine kaha ki aapke yahan aaj studio mein aana mere liye bahut bahut maayne rakhta hai, aur main ummeed karunga ki aap mujhe aage bhi bulate rahein. Bahut bahut dhanyawad. तो विनीत बाजपेयी जी के साथ इस विशेष बातचीत के साथ गुड इवनिंग इंडिया के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कैसा लगा गुड इवनिंग इंडिया का आज का यह एपिसोड हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है goodeveningindia.dd@gmail.com। तो आज भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर चलते चलते एक बार हम सब मिलकर फिर से याद करें, स्मरण करें, नमन करें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिनकी आहुतियों की चमक आज हम सबके माथे पर चमक रही है। और इसी के साथ हम सब देशवासी मिलकर यह प्रण लें कि जो भी कार्य करेंगे वो देश को उन्नति के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर ले जाएगा। नमस्कार।